75वें परिच्छेद की चर्चा हमने प्रारंभ कर दी थी, जिसमें कि हमने देखा था श्री राम कृष्ण देव दक्षिणेश्वर मंदिर में अपने उसी कमरे में है, दिन के 3 बजे होंगे। आज शनिवार है, तारीख 2 फरवरी 1884। उसके बाद में राजपाल महिमाचरण हाजिर आदि कमरे में बैठे हैं। मास्टर ने आकर धनुष को श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण पूछते हैं, गुरु जी तुम्हें कौन सी बीमारी हुई थी, अब तो अच्छे बना? मास्टर कहते जी हाँ। श्री रामकृष्ण महिमाचरण से कहते, गुरु जी यहाँ का भाव है तुम यंत्री हो मैं यंत्र हूँ, फिर इस तरह क्यों हुआ, मतलब हाथ कैसे टूट गया? जैसे हमने सुना था उस समय रेलिंग में साथ में किसी के लिए रेलिंग के पास गिर गए थे, जाओ जरा तो जब जा रहे थे इससे उनके दाएं हाथ की हड्डी हट गई और गहरी चोट आ गई थी। मास्टर कलकत्ते से चोट में बांधने का सामान लेने गए हैं। तो उसी सिलसिले में कहते हैं कि यहां का तो भाव है तुम यंत्री हो मैं यंत्र हूं, फिर भी इस तरह क्यों हुआ? कहने का मतलब छोटा बच्चा यदि मां पर निर्भर रहता है तो मां का ही तो उत्तरदायित्व है कि बच्चे को संभालेगा, बच्चे को संभालेगी, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? श्री रामकृष्ण खाट पर बैठे हैं, छोटे बच्चे सा स्वभाव है ये हम देख सकते हैं, कितना सरल स्वभाव है। श्री रामकृष्ण खाट पर बैठे मनोजर अपने पितृदर्शन की बातें कर रहे हैं, श्री रामकृष्ण सुन रहे हैं। 12 वर्ष के पहले का पितृदर्शन, ये हमने सब इसकी चर्चा कर ली थी। और फिर श्री रामकृष्ण भावेश होकर के भावेश में कहते हैं, ओम 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 माँ मैं क्या कर रहा हूं, माँ मुझे ब्रह्म ज्ञान देकर बेहोश न करना, मैं तेरा बच्चा जो हूं डरता हूं, मुझे मां चाहिए, ब्रह्म ज्ञान को मेरा कोटि कोटि नमस्कार, वह जिसे देना उसे दो आनंद में ही आनंद में। श्री रामकृष्ण उच्च स्वर से आनंद में कहकर रो रहे हैं और कह रहे हैं इसीलिए तो मुझे दुख है कि तुम जैसी मां के रहते मेरे जागते घर में चोरी हो जाए। इसके बारे में हमने कहा था कि बंगला में बहुत सुंदर गीत है, हमें वही खेले खेत करी तुम्हें माता छापते अमर जाएगा घरे छुरी, कि मुझे खेद इस बात का नहीं है कि मैं गिर गया, मुझे इस बात का खेद नहीं कि मुझे लगा, खेद इस बात का है कि तेरी मां जैसी मां मेरी रहते हुए भी मुझे इस प्रकार का हुआ, मेरी जाएगा घरे छुरी। एक तो वैसे भी चोरी तो होनी नहीं चाहिए, तुम मां हो तुम्हारे रहते रहते चोरी हो जाए वो भी जाएगा घरे छुरी, जागता हुआ आदमी को कौन चोर करेगा, पर ये तो मैं जाग रहा था और फिर भी चोरी हो गई और तुम देखती रही। ये मानव बहुत ही सुंदर वो गीत है, आमी कोई खेले खेल कोई तुम्ही आमार माता थापते जाएगा घरे चुरी, इसी तो मुझे दुख इस बात का है तुम जैसी मां के रहते मेरे जागते घर में चोरी हो जाए। फिर श्री राम के तो फिर मां से कह रहे हैं, मां मैंने क्या अन्याय किया है, क्या मैं कुछ करता हूं? मां तू ही तो सब कुछ करती है, मैं यंत्र हूं तो यंत्री। राजपाल के प्रति हंसते हुए, देखना तू कहीं गिर न जाना, अभिमान वह स्वयं को कहीं छलना नहीं। श्री रामकृष्ण मां से फिर कह रहे, मां क्या मैं चोट लग जाने से रोता हूं? नहीं नहीं, मैं इसलिए रोता हूं कि तुम जैसी मां के रहते मेरे जाते घर में चोरी हो गई, तो मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं मुझे लग गया, मुझे यह खेद हो रहा है कि तुम मेरी मां तुम्हारे रहते रहते मेरे जय जागते हुए घर में चोरी हो गई, तुम क्या कर रही थी, यह मुझे खेद। श्री राम कुछ बच्चे की तरफ फिर हंस रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, जैसे बालक ज्यादा बीमार पड़ने पर भी कभी कभी हंसी खेलती हुई चला जाता है। श्री रामकृष्ण महिमा आदि भक्तों से बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण के सच्चिदानंद को प्राप्त नहीं किया तो कुछ न हुआ भाई, विवेक और वैराग्य सदृश और दूसरी चीज नहीं है, संसारियों का अनुभव क्षणिक है, तभी तक है जब तक तपे हुए तवे पर पानी रहता है, कभी शायद एक फूल को देखकर कह दिया आहा ईश्वर की कैसी विचित्र सृष्टि है। व्याकुलता चाहिए, जब लड़का संपत्ति का अपना हिस्सा अलग कर देने के लिए अपने मां बाप को परेशान करने लगता है तब मां बाप दोनों आपस में सलाह करके लड़के का हिस्सा तुरंत दे देते हैं, व्याकुल होने से ईश्वर जरूर सुनेंगे, जब उन्होंने पैदा किया है
तब संपत्ति में हमारा भी हिस्सा है। वे अपने बाप अपनी मां है, उन पर अपना जोर चल सकता है। हम उसे कह सकते हैं मुझे दर्शन दो, नहीं तो गले में छुरी मार लूंगा। किस तरह मां को पुकारना चाहिए श्री राम कृष्ण बतला रहे हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं मैं मां को इस तरह पुकारता था, मां आन नहीं, तुम्हें दर्शन देना ही होगा। फिर कभी कहता था हे दीनानाथ जगन्नाथ, मैं जगत से अलग थोड़े ही हूं, मैं ज्ञान भी हूं, भक्ति ही हूं, साधन ही हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता, कृपा करके दर्शन देना होगा। श्री रामकृष्ण अत्यंत करुण स्वर के गाने के ढंग पर बतला रहे हैं किस तरह उन्हें पुकारना चाहिए। वह करुण स्वर सुनकर भक्तों का हृदय द्रवीभूत हो रहा है, महिमाचरण की आंखों से धारा बह रही है। महिमाचरण को देखकर श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं मन जिस तरह पुकारना चाहिए उसी तरह तुम पुकारो तो सही, फिर देखो कैसे श्यामा रह सकती। दात्रे मन दाकार मगन केमो श्यामा भागते पारे केमो काली भागते पारे। बहुत सुंदर तीन गीत है बंगला में। अरे मन पुकारने की तरफ पुकारना चाहिए तब श्यामा मां श्यामा का दर्शन होगा, मां काली का दर्शन होगा। तो पुकारने की तरफ पुकारना चाहिए उसका क्या मतलब? तो ये हम दैनंदिन जीवन के लिए देखते हैं कि मान लो हम लोग कहीं पर गए और उसके बाद में किसी से मुलाकात हुई। अच्छा भाई तुम हमारे घर आना, एक बार आना। वो भी बोला हाँ मैं प्रयत्न करूंगा। प्रयत्न करूंगा मतलब नहीं आने का प्रयत्न करूंगा, प्रयत्न करूंगा शब्द का मतलब ही होता है नहीं करूंगा आने का प्रयत्न, ये ब्रैकेट में होता है। हो गया बात आई गई होगी, पर आपने कहा कि एक बार आपको आना पड़ेगा हमारे घर। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रयत्न करूं, नहीं नहीं आप बताइए ना आपका कौन सा तारीख आपको अच्छा रहेगा। जैसे हमको कभी कभी पकड़ते हैं, हम बोले कि हाँ ट्राई करेंगे, नहीं नहीं आप बताइए डायरी देख करके कौन सी तारीख खाली है। अच्छा ये तारीख खाली है, नहीं नहीं उसमें तो शायद ये होगा, तो दूसरी तारीख देखिए। तो इस प्रकार से तारीख तय हो गई। अच्छा इस तारीख को ठीक है, इस तारीख को आप, इस तारीख को मैं आऊंगा, मैं कोशिश करूंगा, ये तारीख मैं फ्री हूं शायद उससे कोशिश करूंगा। फिर उसके दो दिन पहले फिर SMS किया, फोन किया, ईमेल भेजा कि आपके आने की बात क्या हुआ। नहीं वो थोड़ा सा शादी का काम आ गया है तो मैं फिर देखता हूं, नहीं नेक्स्ट डेट बोली। अच्छा ठीक है मैं देखता हूं अगले हफ्ते ट्राई करूंगा, तारीख बताइए। फिर दूसरी तारीख ली, उसके दो दिन पहले फिर फोन किया, ऐसा मेरे पीछे लगे रहते हैं। तो बाद में कहता हूं कि ये रविवार को मेरा लेक्चर रहता है, बहुत लोग नाराज हो जाते हैं रविवार को भी मैं छुट्टी लेता हूं तो रविवार को नहीं दे दूंगा। नहीं 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 रविवार को आपको, रविवार को शाम को यहां ज्यादा पब्लिक आती है तो टीम ने हम लोगों का बहुत बड़ा इतना बड़ा कार्यक्रम है फाउंडेशन लेंगे आपको आना ही पड़ेगा, रविवार को मैं नहीं आ सकूंगा, ऐसा करके फोन मैंने रख दिया। फिर फोन आया, गांधीनगर में था, अरे मैं अभी बहुत बिजी हूं अभी छोड़ दो। नहीं पहले आप बता दीजिए आप आ रहे हैं तो हम निमंत्रण पत्र छपाना है। तब वो बचने के लिए बताया ठीक है भाई रविवार को हम फिर से छुट्टी ले लेंगे, वचन का किम में जाएंगे और 22 तारीख को ये रामकृष्ण देव की जन्म जयंती के दूसरे दिन वो रविवार को शाम को 4:30 बजे आएंगे। ऐसा कई बार फोन करके उन्होंने डेट लेकर के निमंत्रण पत्र छपाया। इसको बोलते हैं पुकारने की तरफ पुकारना, नहीं तो दूसरे लोग बोले अच्छा आना अच्छा आएंगे हो गया खत्म वही मामला खत्म, पर ये पीछे पड़े रहना। तो श्री रामकृष्ण ये सांसारिक उदाहरण देकर के बोलते हैं दो प्रकार का पुकारना होता है। एक पुकारना अच्छा मां दर्शन दो, फिर वो भी भूल गए, मां भी भूल गए, आप भी भूल गए, और ये पीछे पड़े रहना मां मुझे दर्शन दो, मां मुझे क्यों दर्शन नहीं दोगी, देना ही पड़ेगा। ये पुकारना मां डाकार मतों डाकरे हे मोन डाकार मतों डाक केमन श्यामा थकते पारे केमन काली थकते पारे। पुकारने के समय भी यदि पुकारा जाए तो मां को आना ही पड़ेगा, ईश्वर को दर्शन देना ही पड़ेगा। यह श्री रामकृष्ण देव हमको कह सकते हैं क्यों ऑथेंटिक है,
उन्होंने खुद ने करके दिखाया है, खुद ने करके दिखाया, खुद ने इस प्रकार से मां को पुकारा, दिन रात पुकारते थे। जब वहां पर दक्षिणेश्वर में रहते थे तो सारा दिन मां को पुकारते थे, मां मुझे दर्शन दो, मां मुझे दर्शन दो। कहते कि मां मैंने सुना तूने रामप्रसाद को दर्शन दिया, कमलाकांत को दर्शन दिया, तो मैंने कौन सा पाप किया जो मुझे दर्शन नहीं दे रही हूं। रामप्रसाद कमलाकांत बड़े बड़े कवि हो गए, उनको कहते थे मां के जगदम्बा के दर्शन हुए थे। तो ये देखिए मां की, मां के प्रति उनकी कैसी लगन थे। मेरे वैष्णव संप्रदाय थे, उनके घर में तो पूजा होती थी रामचंद्र जी की, इसीलिए इस परिवार में सभी सदस्यों का नाम राम से है, उनका खुद का नाम राम कृष्ण, बड़े भाई का नाम राम कुमार, छोटे भाई का नाम रामेश्वर, ये सब राम 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 से सब पूरा है, पूरा परिवार राम का भक्त था। रामेश्वर से लाया जो शिव जी को उसका भी प्रतिष्ठा की थी, उनके पिताजी खुदीराम का नाम भी राम के ऊपर, उनके परिवार में उनके दादाजी का नाम भी राम के ऊपर, तो राम परिवार के थे, वैष्णव संप्रदाय के थे, पर जगदम्बा की पूजा करते करते, मां काली की पूजा का उनको भार वहन करना पड़ा था। तो मां की पूजा करते करते उनके मन में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि ये मैं पूजा तो कर रहा हूं, पर ये पूजा किसकी कर रहा हूं, ये पत्थर की मूर्ति की, अब किसको पूछे, कोई तो वहां पर बोलने वाला नहीं है, तो मां से ही बोलते हैं। मां कोई कहते तू मृणमयी है, तुम पत्थर की मूर्ति भर है, और कोई कहते तू चिन्मयी है, तो तू क्या है तू ही मुझे बता दे, मैं तो गवाह हूं, मेरे साथ कोई बातचीत करने वाला यहां है नहीं, सब मुझे पागल बोलते हैं। जिंदा मामा पैदा रहता है, ये जवान लड़का 22 साल का है, कहां तो उसको सिनेमा देखना चाहिए, उस समय के जमाने नाटक होते थे, सिनेमा नहीं होते थे, नाटक देखेगा ना, ताश खेलेगा ना, ये करेगा, वो सब कुछ नहीं करके क्या लगाया है, मामा करट लगाया है, पागल हो गया है, न कोई उसको किसी प्रकार का मनोरंजन में जाता है, न कुछ ही करता है, तो सब लोग पागल बनते हैं, छोटा छोटो बनता चाहे पागल 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 हो जाए, पागल छोटो बनता चाहे, मैंने छोटो बनता चाहे क्यों, बड़ा भाई जो रामकुमार था वो बड़े बनता चाहे पुजारी होते थे, छोटो बनता चाहे छोटा पुजारी, छोटा पुजारी पागल हो गया, ये चारों सब जगह फैल गया था, चारों के साथ मां मां का कहता है। तो मां को कहते मां सब लोग मुझे पागल कहते हैं, तुम्हें किससे पूछू, तू ही मुझे बता दे कि तू मृणमयी है, जुचितमयी है, यदि तू मृणमयी है तो तुझे पुकारने से फायदा क्या, मिट्टी की मूर्ति को पुकारने से फायदा क्या हुआ, और यदि तू चिन्मयी है, यदि तुमने ऐसा ठीक है ऐसा सत्य है कि तुमने राम का को दर्शन दिया, कमलाकांत को दर्शन दिया, तो फिर यदि तू चिन्मयी है, मेरी प्रार्थना सुन रही तो मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रही है, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया, मां तू मुझे दर्शन दे। इस प्रकार से सारे दिन मां से वार्तालाप करता रहता है, पूजा करते समय दिन रात पूजा कर, दिन रात प्रार्थना करने के लिए, विशेष करके जब शाम का समय होता था, सूर्यास्त होता था, तो संध्या आरती का समय जब होता था, तो वो दक्षिणेश्वर के मंदिर में मां काली के भोगारणी का जो मंदिर है, वहां पर शंख दूध उठते थे, आरती की तैयारी के लिए शंख बजाया जाता है, जैसे यहां भी शंख बजाया जाता है, तो शंख बजाया जाता है, शंख ध्वनि सुनने के बाद श्री रामकृष्ण एकदम व्याकुल हो जाते हैं। तो गंगा के तट पर उस रेत पर लोटपोट हो जाते थे, लोटपोट होकर के इतना लोटपोट होते थे, सिर से खून बहता था, चेहरा लूलुहान रहता था, कहते थे मां एक संध्या और उतर आई, मेरे जीवन का एक दिन और दे दिया, और मां तुमने मुझे दर्शन दे दिया, तो कब दर्शन देगी, क्या एक एक करके सारे दिन यूं चले जाएंगे, सारा जीवन यूं ही चला जाएगा, व्यर्थ चलाया जाएगा तेरे दर्शन के बिना, मां एक दिन और चला गया, एक संध्या और होता है, मां मुझे दर्शन दे, मां मुझे दर्शन दे करके अपना सिर रगड़ते थे रेल से, और सिर से खून बहता था, चेहरा युवा हो जाता था, जो देखने वाले कहते थे अरे देखो देखो कैसा लोटपोट हो रहा है, कैसा खून बह रहा है, लगता है उसकी मां मर गई होगी, कभी इतना रो रहा है, मां कहते थे ना, उनको लगता था कि उनकी मां मर गई होगी इसलिए रो रहा है, उनको ये मानते कि उनकी मां तो है सामान बदलते, पर ये जो रो रहा है वो जगदम्बा के लिए रो रहा है, ये कोई समझ नहीं पाता। तो ऐसा व्याकुल होकर के
रामकृष्ण देव ने अपने जीवन के द्वारा बताया है, दर्शित किया है कि हाँ व्याकुलता पूर्वक उन्होंने खुद ने कहा, इसलिए यहां पर कह सकते हैं कि व्याकुलता पूर्वक उनको पुकारो तो सही, फिर देखो कैसे श्यामा रह सकती है, कैमोन श्यामा थकते पारे, कैमोन काली थकते पड़े, डाकरे मन डाकार नगम कैमोन श्यामा थकते पड़े, हे मन पुकारने की तरफ पुकारना चाहिए, बुलाना चाहिए, और इस प्रकार से पुकारने में समान पुकारोगे मैंने व्याकुलता पूर्वक पुकारोगे पीछे पड़ जाना पड़ेगा, एक बार से बोलने से नहीं होगा। हम तो देखते हैं हमारे दैनिक उदाहरण में भी देखते हैं, एक बच्चा है माँ का साड़ी पकड़ लेता है, बोला माँ माँ मुझे एक पैसा दे दे मुझे पतंग खरीदना है, कल नहीं पतंग वतंग खरीद कर फिर भूल जाएगा फिर गिर जाएगा, नहीं 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 लूंगा। फिर वो गया वो किचन में गई, किचन में इसके पीछे पीछे चला गया, फिर पकड़ा उसको साड़ी, माँ मुझे पैसा दे, तुझे बताया ना अभी पैसा नहीं, तो बड़ा होगा फिर तुझे पतंग चलाने के पैसे दूंगा, अभी नहीं दूंगी। फिर चली गई मां दूसरी जगह पर ड्राइंग में, तो वहां चला गया, छोड़ता नहीं, पड़ा हुआ है उसके पीछे, क्या गया गया मुझे पैसा दे मुझे पैसा दे। फिर आखिरी में मां परेशान हो जाती है, तो कुछ काम तो नहीं दे रहा है, ले लो पैसा जा रहे शांति से रहने से तू भी जैसा, बस उसी प्रकार से श्री राम कृष्ण कहते हैं पुकारने की तरफ पुकारो कि उनको बाध्य करो ईश्वर को तुम्हारी प्रार्थना सुनने के लिए, जैसे स्वामी तुलियानंदी महाराज ने कहा किस तरह पुकारना चाहिए और प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, तो उन्होंने पत्र में बहुत अच्छा स्वामी तुलियानंदी की पत्रावली है, बहुत ही अच्छा स्वामी तुलियानंदी की पत्रावली हिंदी में भी है, बंगला में भी है और अन्य भाषाओं में भी है, तो अंग्रेजी में उसका अनुवाद अभी हो गया है, तो उसमें बहुत अच्छे एक पत्र में लिखते हैं स्वामी तुलियानंद जी, इस वक्त को लिखते हैं क्या करना चाहिए, बोले मन में अशांति है, मैंने बहुत प्रयत्न किया, मंत्र जाप कर रहा हूं, ध्यान कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, शांति नहीं मिल रही है। तब उन्होंने कहा प्रे 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 प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो, फिर लिखते हैं रोक इन ऑफिस प्लीज एजिटवेयर बाई अ कंटिन्यूड प्रेयर्स। प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, व्याकुलतापूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए और लगातार प्रार्थना करनी चाहिए, एक बार दो बार हजार बार दो हजार बार प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता है, लगातार प्रार्थना करनी चाहिए, लगातार प्रार्थना करते 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 वो भगवान हो एकदम परेशान हो जाए, कोई भी आदमी भी हमको एक बार बोले पैसा दे दो पैसा दे दो भी हमको बुरा लगता है, दस बार बोले सौ बार बोले जाएगा नहीं डंडा मारो भगा नहीं बोले मेरे को पैसा तो कभी जाऊंगा कितना भी मारो ले रहे भाई पैसा तो जहां हो मेरे को शांति से रहने दे, एक घंटा मेरा बर्बाद कर दिया, आते हैं कभी कभी यहां पर मंगने वाले बड़ा मुश्किल इतना टाइम वेस्ट होता है, इससे तो भैया पैसा देकर रवाना करो यार मेरे को शांति दो, जाते ही नहीं क्या करेंगे रवाना करो जो कुछ पचीस पचास कर दिए। उसी प्रकार से भगवान भी सोचते हैं परेशान कर डाला है सुबह से लेकर के रात तक झुंझने करते रहता है, अरे प्रार्थना करते रहता करता ही रहता है क्या करें, परेशान करता हो स्वामी तुलिया ने बोले उसको लगातार प्रार्थना कर करके भगवान को इतना परेशान कर डालो कि फिर तुमको शांति दे देंगे, तो उनको भी शांति तुमको भी शांति, जब तक वो तुमको शांति दे देते तो उनको अशांत करके रखना, उनकी शांति को हरण कर लो तब वो तुमको शांति दे देंगे, तुम्हारी शांति भी तुमने उन्होंने हरण किया अब तुम उनकी शांति को हरण करो, उनकी शांति को ले लो, गलत प्रार्थना करते 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 इतना बोर हो जाएगा इतना परेशान हो जाएगा कि तुमको दे देगा जो चाहिए वही दे, मेरे को शांति से रहने दे, लगा हुआ प्रार्थना 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 मेरे को परेशान कर डालो भगवान को परेशान कर डालो, ये स्वामी तुलिया जी के शब्द हैं, अपनी लगातार प्रार्थना के द्वारा ईश्वर को परेशान कर डालो तब वो अशांति को कर डालो तो उनकी अशांति को दूर करने के लिए वो तुमको शांति दे देगा। तो यह श्री रामकृष्ण देव ने बताया कि किस तरह मां को पुकारना चाहिए और बहुत अच्छा व्यावहारिक उदाहरण देते हैं कि व्याकुलता चाहिए, जब लड़का संपत्ति का अपनी हिस्सा अलग कर दे कि अपने मां बाप को परेशान करने लगता है तो मां बाप दोनों आपस में सलाह करके लड़के का हिस्सा तुरंत दे देते हैं, ये तो रोज का हमारा देने भी हम देखते हैं कितने सारे घरों में ही हो रहा है परिवारों में,
लड़के बड़े होते हैं बस उसके बाद उनको अपना प्रॉपर्टी, अरे मैं बिल करके जाऊंगा, नहीं नहीं हमारे रहते रहते हमारा जब भी समाना जो हिस्सा दे रहे मैं बाद में करूंगा, बुरा हो जाऊंगा उसके बाद मैं तुमको बिल करके सब प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा दोनों भाइयों में, ताकि झगड़ा ना हो। मैं नहीं नहीं नहीं, वो लड़का बोलता जो देना अभी दे दो, मेरे को भी इन्वेस्ट करना है, मेरे को नया बिजनेस करना है, जो हमको देना है दे दो। एक बार दो बार दस बार बीस बार जब बोलता है लड़का कि हमको हमारा हिस्सा दे दो, हमको बिजनेस शुरू करना है, तब बाद में माँ बाप आपस में बोलते चलो अभी नहीं मान रहा क्या करेंगे, बंटवारा कर दो। बंटवारा करके वो तो कैसे हुआ, व्याकुलता में वो लड़के ने कहा तो हिस्सा तुरंत दे देते। उसी प्रकार से ईश्वर के पास आध्यात्मिक पूंजी है, हम लोग उसके वारिसदार है, हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है, हमारे बाबा है भगवान, उनके पास हमारी पूरी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, विवेक वैराग्य भक्ति ज्ञान ये सब तो प्रॉपर्टी है, ये भगवान ने अपने पास रखी है, अब उसमें से हमको चाहिए तो हम लोग इसका मांगेंगे, नहीं देंगे हड़ताल करेंगे, कैसे भी करके देना पड़ेगा। ऐसा करके व्याकुलता पूर्वक बोलने से श्री रामकृष्ण कहते हैं व्याकुल होने से ईश्वर जरूर सुनेंगे, जब उन्होंने पैदा किया है तब संपत्ति में हमारा हिस्सा भी है, वे अपने बाप है अपनी मां है, उन पर अपना जोर लग सकता है, हम उसे कह सकते हैं मुझे दर्शन दो नहीं तो मैं गले में छुरी मारूंगा, जो श्री रामकृष्ण ने किया अपने जीवन में किया। उन्होंने मां को कहा यदि तुम नहीं दोगी दर्शन तो ठीक है, उठा लिया हमारा और सिर अपने सिर्फ मार, हमने मारने वाले से भी मानव दर्शन दे दिया। तो पर ये जो व्याकुलता भीतर की होनी चाहिए, अब यदि कोई ड्रामा करने कहे कि भाई चलो हम भी मां को ये दे देते हैं अल्टीमेटम, चलो लगाया लगाया करवा और मारा देखे मर गए, दर्शन तो हुआ नहीं, तो कहने का मतलब केवल दिखावे से नहीं होगा, भीतर में व्याकुलता होनी चाहिए, किसी के कहने से तलवार लगा दी तो दर्शन नहीं होगा, भीतर से दर्शन का दर्शन की व्याकुलता होनी चाहिए। कुछ भक्त शिवपुर से आए हैं, वे लोग इतनी दूर से कष्ट उठाकर आए हैं, श्री रामकृष्ण और अधिक चुप न रह सके, चुनी की बातें उनसे कह रहे हैं, श्री रामकृष्ण शिवपुर के भक्तों से, ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य, बाबू और बगीचा ईश्वर और उनका ईश्वर, लोग बगीचा ही देख लेते हैं तो बाबू कितने लोग देखना चाहते हैं। भक्त कहते हैं अच्छा फिर उपाय क्या है, श्री रामकृष्ण सत असत विचार, वे ही सत्य है और सब अनित्य, इसका सर्वदा विचार करना और व्याकुल होकर उन्हें पुकारना। तो यहां पर उन्होंने जो विवेक जो बुद्धि है, विवेक इसको बोलते हैं सद असत विचार, वे ही सत्य है और सब अनित्य, इसका सर्वदा विचार करना और व्याकुल होने पुकार कर उन्हें पुकारना, दो बातें बताइए, सदा विचार करना सद असत क्या है और उनको पुकारना। तो सद असत विचार कैसे करते हैं कि जैसे ईश्वर ही सत्य है बाकी सब असत्य है, ऐसा वेदांत कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत में क्या। अभी हमारी जो स्थिति है मन स्थिति, उसमें हम लोग को क्या लगता है, ईश्वर असत्य है बाकी सब सत्य है, क्योंकि ये तो कॉम्प्लेट है, रसगुल्ला कॉम्प्लेट है, उसको खाकर हमको आनंद मिलता है, मोबाइल कॉम्प्लेट है उसको मिलने से हमको आनंद मिलता है, तो ये तो सत्य है और ईश्वर किसने देखा है वो तो असत्य है। अभी हमारी ये स्थिति है ईश्वर सत्य बाकी सब असत्य, बाकी सब सत्य ईश्वर असत्य, अभी हमारी स्थिति, और धीरे धीरे हमको विचार करना पड़ेगा अच्छा ये रसगुल्ला बहुत अच्छा है हमने खाया जब मुंह में गया उसके बाद उसकी क्या स्थिति है, पांच मिनट बाद वो रसगुल्ला कहां गया, उसके बाद उसका क्या हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ, ये भी 40 रसगुल्ला खाया होगा उल्टी के रूप में बाहर हो गया, वही रसगुल्ला जब उल्टी के रूप बाहर आया तो देखना भी अच्छा नहीं लगता है, तुरंत धोने के बाद आती है उसी रसगुल्ले को तो ये हमको मकान बहुत अच्छा लगता है, तो मकान हमको अच्छा लगता है तो मकान आज से 1000 साल बाद तो नहीं रहेगा, हमने भी रिनोवेशन कराया तो 50 साल चलेगा 100 साल चलेगा,
پھر اور بار کبھی کوئی رینوویشن کرائے گا تو کتنا چلے گا؟ ایک دن تو ایسا آئے گا اس کا وناش ہوگا. یہ مائک ابھی 5 سال پہلے خریدا ہے نہ 2 سال پہلے خریدا ہے, یہ چلے گا 20-25 سال تک, پھر اس کا بھی ٹکڑا ہو جائے گا, یہ بھی بولے گا ابھی میں کام نہیں کروں گا. کوئی بھی چیز لے لو دنیا کی, کوئی بھی چیز, ایک ہی چیز ایسی بتاؤ جو آج سے 10,000 سال بعد رہے گی یا 10 کروڑ سال بعد رہے گی. یہ پرتھوی, یہ پرتھوی لوگ بھی نہیں رہے گا, یہ مکان تو نہیں رہے گا, یہ مکان بھی نہیں رہے گا, یہ تو ابھی 100 سال میں ہی سب ختم ہونے والا ہے, پر 100 سال کے پہلے ہی کل بھی ہو سکتا ہے, ابھی بھی اسی کام بھی ہو سکتا ہے, یہ مکان کا سروناش کبھی بھی ہو سکتا ہے, اس کو تو چھوڑ دو. یہ پرتھوی لوگ, یہ پرتھوی نام کا گرہ لوگ, وہ کتنے کروڑوں سال تک رہے گا؟ سارا سور منڈل وہ کتنے سال تک رہے گا؟ ساری گیلیکسی آج سے کروڑوں سال پہلے نہیں تھی, آج سے کروڑوں سال بعد وہ گیلیکسی بھی نہیں رہے گی. ساری آکاش گنگا ملکی گیلیکسی ہماری ہے, وہ کب تک رہے گی؟ پھر ہماری ملکی گیلیکسی جس منڈل میں ہے وہ جو یونیورس وہ کب تک رہے گی؟ سب کا وناش اوشیہ نہیں. کیول ایک ہی وستو ایسی ہے جو کل تھی آج ہے اور آگامی کل رہیں گی, وہ ہے پرماتما یا ایشور یا برہم یا اوپرم ستا. اس کے سوا کچھ بھی رہے گا نہیں, اس کی گارنٹی 100% گارنٹی. باقی سب وستو انتیہ ہے, کیول ایک ہی وستو نتیہ ہے, وہ ہے ایشور یا بھگوان یا جگدمبا, جو بھی بولو یہ پرم ستیہ وہی ہے, وہی ہے. اس پرکار سے وچار کرتے ہیں, اس کا نام ہے سدست وچار. کون سا ستیہ, کون سا اسطیہ, کون سا نتیہ, کون سا انتیہ ہے, اس وچار کا نام ہے وویک بدھی, وچار کرنا. تو شری رام کو اس پرکار سے ہمیں وچار کرنا چاہیے کہ سچ کیا ہے اور اسط کیا ہے. اور پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ ویاکل اوپر پکارنا چاہیے. دو چیزیں انہوں نے بتائی, ایک سدست وچار کرو, دوسرا ویاکل اوپر پکارو. بھکت کہتے ہیں, دیکھو بھکت ہم سوچتے ہیں ہم ہی بہت اچھے بھکت ہیں, ہم سے بھی اچھے اچھے بھکت اس سمے ملتے. ہم جو بولتے ہیں نا, ہمارا ٹرمپ کارڈ رہتا ہے, جب کوئی تم کو بولتا ہے بھگوان کا بھجن لو, بھگوان کا نام لو, تو ہمارے پاس ایک ٹرمپ کارڈ رہتا ہے, ہم ٹرمپ کارڈ کھول دیتے ہیں. ٹرمپ کارڈ کیا ہے ہمارا؟ سمے نہیں ہے. تو یہ ٹرمپ کارڈ اس سمے کے بھکت بھی تھے, ان کے پاس بھی یہی ٹرمپ کارڈ. ایسا نہیں کہ ہمیں لوگ اس ٹرمپ کارڈ کا ویوہار کر رہے ہیں. تو بھکت نے کہا جی سمے کہاں ہے؟ بتایا تو صحیح ہم نے, یا تو لوگوں کو پکارو. آپ نے یہ بھی کہا کہ سدر سے وچار کرو. بھکت کے جی سمے کہاں ہے؟ شری رام کرشن کہتے ہیں جنہیں سمے ہیں وہ دھیان بھجن کریں گے, جو لوگ بالکل کچھ نہ کر سکے وہ دونوں سمے بھکتی کو لوگ 2 بار پرنام کریں. کتنا سرل بنا دیا, کیول 2 بار پرنام کرنا ہے. جو لوگ بھجن سادھن بھجن نہیں کر سکے, ٹائم نہیں ہے, 2 بار پرنام کرو. بیوی تو ہمری آنی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں, تمہیں کتنے ہی کام ہیں, تمہیں پکارنے کا سمے نہیں, تو انہیں آپ ان کو تیاری دے دو. پرنتو اگر انہیں نہ پا سکے تو ان کے درشن نہ کر سکے تو کچھ نہ ہوا. تو بہت اچھا اپائے بتاتے ہیں کہ تم خود بھجن سادھن بھجن نہیں کر سکتے تو ایشور کو سرمکھ اختیار دے دو. تو عام مکھ اختیاری مطلب ہوتا ہے پاور آف اٹارنی. وکیل لوگ جانتے ہیں اچھی طرح سے, ان کو پاور آف اٹارنی دیا جاتا ہے جب کورٹ میں ہم کیس لڑ نہیں سکتے جج کے سامنے, تو ہم اپنا پاور آف اٹارنی عام مکھ اختیاری وکیل کو دے دیتے ہیں, وکیل ہمارے بدلے کیس لڑتا ہے. تو شری رام کہتے ہیں کہ تم یہ سادھن بھجن نہیں کر سکتے تو بھگوان کا عام اختیار دے دو, وہی سب کریں گے, ان کو شرناگر ہو جاؤ. گری بول کے یہی کیا تھا, بعد میں پھنستا ہے پہلے تو بہت اچھا لگا, یہ آم کو دیکھ تو بہت اچھا ہے, بولے سادھن اس نے کچھ نہیں کرا, میں کچھ نہیں تمہارے بولے میں ہی کروں گا, یہ تو بہت اچھا ہے. اچھا یہ جو سرا بڑا پھلکا اس کا جو کام لگے وہ بولے وہ بھی میں لے لوں گا, اس کو کچھ نہیں کرنا ہے, یہ تو بہت اچھا ہے. پہلے سے لگتا اچھا لگتا کہ اتنے سے گرو ملنا تو اور بھی زیادہ تھوڑا کرتے اڑاتے, بہت اچھا لگا. پر بعد میں جب گیری سوچنے کا میں سوچتا ہوں اس پرکار کا ناٹک شروع ہوا, ارے تم نے عام ستیہ دے دیا, پاور بیان دے دیا, جگدمبا کو اپنے بولتے میں کروں گا, یہ بولو کہ جگدمبا کی اچھا ہوئی تو میں اس پرکار سے جانا پڑوں گا.
कि भाई पहले तो सोचते दिन में दो बार मैं जब से लूंगा तो हर क्षण मेरे को जगदम्बा का स्मरण करना पड़ता कि जगदम्बा की इच्छा हुई तो मैं इस प्रकार से ना कर लूंगा। तो ये आमुख तैयारी भी कम नहीं है, शरणागति का भाव वो भी कम नहीं है, पर जो नहीं साधन बजाय कर सकते आमुख तैयारी दे दे, मैं जो नाबालिग है उसकी संभाल बड़े लोग नहीं रहते, तो ठीक है तुम नहीं कर सकते, चलो तुम नाबालिग हो, पर पहले नाबालिग बनना पड़ेगा, या बालिग बनोगे या नाबालिग बनो, बालिग बनोगे तो साधन भजन करना पड़ेगा, नाबालिग बनोगे तो साधन भजन की आवश्यकता नहीं, पर नाबालिग बनने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ेगा, शरणागति भाव आना पड़ेगा, जो अच्छा लगे, बिल्ली के बच्चे बनो या बंदरिया के बच्चे, बंदरिया का बच्चा साधन भजन करते तो उनको पकड़ना पड़ेगा, और या बिल्ली का बच्चा बनो म्याओ म्याओ करो भगवान मान सब देख लेगी, बिल्ली सब देख लेगी, मां सब देख लेगी, म्याओ म्याओ तो करना पड़ेगा, उठना तो करना पड़ेगा, तो ये आमों को तैयार देना पड़ेगा। एक भक्त कहते हैं आपको देखना और ईश्वर को देखना बराबर है, श्री रामकृष्ण। अब यह बात फिर से न कहो, गंगा की तरंग है परंतु तरंगों की गंगा नहीं, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं अमुक हूं, यह सब अहंकार बिना गए उन्हें कोई पा नहीं सकता, मैं उनकी भेड़ को भक्ति के आंसू से धोकर बराबर जमीन बना दो, मैं उनकी जो भेड़ है उसके कारण पानी नहीं आया, ईश्वर की कृपा नहीं आ रही, ईश्वर की कृपा यदि हमको चाहिए तो मेड़ को तोड़ना पड़ेगा, ये मेड़ को तोड़ने का एकमात्र उपाय है आंसू से भिगोकर जमीन बराबर कर दो, तब हमारा अहंकार जाएगा और तब हम उनको पा सकेंगे। भक्त कर बोलते संसार निर्माण क्यों रखता है, श्री रामकृष्ण सृष्टि के लिए रखता है, उनकी इच्छा उनकी माया कामिनी कांचन देकर उन्होंने रखा है, भक्त क्यों बुलाकर रखा है, क्या उनकी यह इच्छा है, श्री रामकृष्ण भी अगर ईश्वर की आनंद एक बार देते हैं तो फिर कोई संसार भी न रहे, फिर सृष्टि ही न रहे, चावल की आड़त में बड़ी बड़ी दुर्गाओं में चावल रहता है, चावल का पता कहीं चूहों को न लग जाए इस डर से दुकानदार गोदाम के सामने एक और गुड़ मिलाकर लावे मतलब खिले रख देता है, मीठा लगने से चूहे रात को वही खाते रहते हैं, चावल में खोज के लिए उतावले होते ही नहीं, परंतु देखो सेव घर के चावल के 1400 लावे होते हैं, कामिनी कांचन के आनंद से ईश्वर का आनंद कितना अधिक है, उनके स्वरूप का चिंतन करने से रंभा और तिलोत्तमा का रूप चीता के भस्म के समान जान पड़ता है। तो यहां पर श्री रामकृष्ण देव इक्वेशन बताते हैं, एक सेब लावे के 1400 एक सेब चावल के 1400 लावे कितने सर मन चाल पड़ा है, पर बच्चे वहां तक जाते नहीं, क्यों उस लावे में उसी में मस्त रहते हैं, उसी प्रकार से अधिकांश लोग यह संसार के आनंद में मस्त रहते हैं, ईश्वर का जो आनंद वो लेने के प्रयत्न नहीं करते हैं, पर उनका श्री रामकृष्ण कहना है कामिनी कांचन के आनंद से ईश्वर का आनंद कितना अधिक है, उनके स्वरूप का चिंतन करने से रंभा और तिलोत्तमा का रूप चीता के भस्म के समान जान पड़ता है, बस उन्हें पाने के लिए व्याकुलता क्यों नहीं होती, श्री रामकृष्ण वो आंदोलन बिना व्याकुलता नहीं होती, कामिनी कांचन की भोग वासना दिखती है, उनकी तृप्ति रोज बिना जगदम्बा की याद नहीं आती, बच्चा जब खेलने लगा रहता है तब तक वो मां को नहीं चाहता, खेल समाप्त हो जाने पर वो कहता है मां के पास जाऊंगा, हृदय का लड़का कबूतर लेकर खेल रहा था आती करके कबूतर को बुला रहा था, जब उसे खेल से छुट्टी होगी तब उसने रोना शुरू कर दिया, तब एक बिना पहचान के आदमी आता था आ तुझे मेरी मां के पास ले चलो, वो उसी के कंधे पर चढ़कर चला गया, अनायासी जो नित्य सिद्ध है उन्हें संसार में नहीं पूछना पड़ता, जन्म से ही उनकी भोग वासना बीत गई है, 5 बजे का समय है, मधु डॉक्टर आए हैं श्री रामकृष्ण के हाथ में पकड़ियां बांधेंगे, श्री रामकृष्ण बालक के रहस्या कहते हैं अनीक और पार्वती के मधुसूदन हंसते हुए कहते हैं, मधु डॉक्टर को मजाक करके बोल रहे हैं अनीक और पार्वती के मधुसूदन, मधु डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं केवल नाम का बोझा हो रहा, मधुसूदन माने ईश्वर, श्री रामकृष्ण साहस है कोई नाम कम थोड़ी है, उनमें और उनके नाम में कोई भेद नहीं, नाम और नामी अखेल सत्य भामा जब तुला पर स्वर्ण मणि और मुद्दा रखकर श्री राम को श्री कृष्ण को तोड़ रही थी तब वजन पूरा न हुआ, जब रुक्मिणी ने तुलसी पर कृष्ण नाम लिखकर एक और रख दिया तब वजन पूरा हुआ। तो ये हम लोग सब घटना जानते हैं कि रुक्मिणी ने किस प्रकार से यह बाटी संभाल ली,
सत्य बाबा ने कितना स्वर्ण कितना मणि दिया, एक तरफ श्री कृष्ण दूसरी तरफ इतना मणि दे रहे पर हल्का नहीं लगा। तो जब रुक्मिणी ने श्री कृष्ण नाम लिख करके तुलसी का पता रखा तो नीचे आ गया। कृष्ण से भी कृष्ण का नाम ज्यादा महत्व का है, ये उसका उदाहरण। राम के राम नाम अधिक कर दासा, तुलसी दास जी कहते हैं राम से राम नाम और भी अधिक है। रामचंद्र जी को तो पुल बनाना पड़ता है, रामचंद्र जी के नाम से तो पत्थर फैलते हैं और रामचंद्र जी पुल डालने से पत्थर फूल जाते हैं, पर रामचंद्र जी का नाम लिखने से पत्थर फैलने लगते हैं। राम से भी राम का नाम अधिक, कृष्ण से भी कृष्ण का नाम अधिक। एक तरफ कृष्ण है, एक तरफ कृष्ण का नाम है, कृष्ण के नाम का पल्ला नीचे पड़ेगा और कृष्ण ऊपर चलेगा। तो राम तो नाम नाम का भी अपना महत्व है। अब डॉक्टर पत्रिया बांधे हुए जमीन पर बिस्तरा लगाया गया, श्री कृष्ण श्री रामकृष्ण हंसते हुए बिस्तरे पर आकर लेटे लेट करके गाने के ढंग से कह रहे हैं। राधिका की यह दशम दशा है, वृंदा कहती है अभी न जाने क्या होगा। आप सोचिए इधर पट्टियां बन रही है, इतना दर्द होने वाला है, बैंडेज चलने वाला है और इधर उनको राधा याद आ रही है और गोपियां याद आ रही है और सब वो लीला याद आ रही है और मजा कर रहा है। ये भी श्री रामकृष्ण की लीला। तो गाने के ढंग से लेट कर लेटे 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 गाने के ढंग से कह रहे हैं राधिका की यह दशा दशा है, वृंदा कहती है अभी न जाने आगे क्या होगा। मतलब उन्हें मधु डॉक्टर भी तो शुरू किया बैठे, इसके बाद और क्या लाल लीला दिखाएगा। चारों भक्तगण बैठे हैं, श्री रामकृष्ण ठीक आ रहे हैं, सब सखी मिली बैठन सरोवर खुले। श्री रामकृष्ण भी हंस रहे हैं और भक्तगण भी हंस रहे हैं। बैंडेज बांधना समाप्त हो जाने पर श्री रामकृष्ण कह रहे हैं कलकत्ते के डॉक्टरों पर मेरा उतना विश्वास नहीं होता। कलकत्ते के डॉक्टर मतलब हमें तो याद रखना श्री रामकृष्ण कलकत्ता में शहर शहर में डॉक्टर कोई भी शहर उनके लिए एक ही शहर जानते थे कलकत्ता, दूसरा था बाबा बिल्कुल उनका गांव। तो या गांव का होगा या शहर का होगा, तो कहने का वो कलकत्ते के डॉक्टर तो उसको वडोदरा के डॉक्टर भी आ गए, पूरे शहर में सब डॉक्टर आ गए। कलकत्ते के डॉक्टर पर मेरा उतना विश्वास नहीं होता। शंभु को विकास की अवस्था थी, डॉक्टर सरवाली का कहता था ये कुछ नहीं है दवा की नशा है, इसके बाद ही शंभू की देह छूट गई मर गया। इसलिए बोलते हैं मुझे डॉक्टर की बात पर भरोसा नहीं होता है। तो यह मानो श्री रामकृष्ण देव ऐसी अवस्था में भी हास्य मजाक कर रहे हैं विनोद कर रहे हैं, पर एक बार हम देखते हैं क्या सब समय ईश्वर का नाम, जो हास्य है विनोद है वो भी ईश्वर को लेकर के, रोना भी ईश्वर के नाम से, व्याकुलता पूर्व प्रार्थना वो भी ईश्वर के नाम से। ईश्वर 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 जगदम्बा 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 और कुछ बात नहीं, मानो उसी से सेचुरेटेड है दिन रात वही ईश्वर ईश्वर ईश्वर। मजाक भी कर रहे हैं तो राधिका की मजाक, राधिका का उदाहरण, गोपियों का उदाहरण, श्री कृष्ण का उदाहरण, मधुसूदन का उदाहरण, राम राम का उदाहरण, कुछ भी वो ईश्वर 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 छोड़ के कुछ नहीं। तो यही बात ये परिचय से 75 का अभी बाकी है, 75 परिचय अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसकी बाकी जो बातें हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें और आएंगी, उसको हम लोग अगले रविवार को देखेंगे। आगे समाप्त करें।